केमिस्ट्री क्लास 11th क्लास चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का ये हमारा फोर्थ वीडियो लेक्चर है। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने कुछ डेफिनेशंस की स्टडी की थी, जबकि सेकंड वीडियो लेक्चर में हमने सिग्निफिकेंट वैल्यू SI यूनिट्स इन सब की स्टडी की थी। थर्ड वीडियो लेक्चर में हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था। फोर्थ वीडियो लेक्चर में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में समझेंगे। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने मैटर का क्लासिफिकेशन समझा था। हमने मैटर को एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर के रूप में क्लासिफाई किया था। उस क्लासिफिकेशन को पढ़कर हमारी कुछ क्वेरीज रह गई थी। एलिमेंट्स डिफरेंट क्यों होते हैं? एलिमेंट्स एक दूसरे से कॉम्बिनेशन करके क्यों कंपाउंड्स बनाते हैं? इन सब क्वेश्चंस के आंसर हमको स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंतर्गत मिलेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझने के लिए जॉन डाल्टन, जो कि एक इंग्लिश टीचर थे, उन्होंने अपना एक एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया। आइए पहले हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। सामने ग्रीन बोर्ड पर आप डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को लिखा हुआ देख रहे होंगे। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को समझने के लिए आप इन हाइपोथेसिस अर्थात अभिकल्पनाओं को एज इट इज अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और हम एक एक करके इनको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम। मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, जिनको हम एटम कहते हैं। सेकेंड वन इज एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन साइज शेप एंड मास। एक जैसे एलिमेंट्स के एटम शेप साइज और मास में एक समान होते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफर। अलग अलग एलिमेंट्स के एटम शेप साइज और मास में अलग अलग होते हैं। फोर्थ वन इज एटम ऑफ सेम एंड डिफरेंट एलिमेंट कम्बाइंड टूगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। जब ये एलिमेंट्स जो कि एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, आपस में कंबाइंड होकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं हाइड्रोजन का एटम हाइड्रोजन के एटम से कंबाइंड होकर के H2 मॉलिक्यूल बनाता है, इसी प्रकार से हाइड्रोजन का एटम क्लोरीन एटम से कंबाइंड होकर के HCl का मॉलिक्यूल बनाता है। ऐसे अनेक एग्जाम्पल आप आगे को पढ़ेंगे। फिफ्थ वन इज एटम्स आर टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। एटम्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। एन एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। किसी भी एटम को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम उसको नष्ट कर सकते हैं। ये हमारा केमिकल कॉम्बिनेशन का फर्स्ट रूल भी है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी लगभग 100 ईयर्स तक एटम्स के बारे में एक माइलस्टोन साबित हुई, लेकिन जैसे जैसे हमने आगे एक्सपेरिमेंट किए और हमने आगे रिसर्च की तो कुछ पॉइंट्स डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल में मॉडिफाई करने पड़े। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में जो हमने मॉडिफाई किया उसको हम मॉडिफिकेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के रूप में पढ़ते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में हमने ये माना था कि एटम मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है और उसको सब डिवाइडेड नहीं किया जा सकता, लेकिन जैसे जैसे हमारी अगर रिसर्चेस हुई और हमने जो है एक्सपेरिमेंट किए तो हमको ये पता चला एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इंडिविजुअल, कि एटम को इंडिविजुअल मानना उचित नहीं है। आप एटम को भी स्मॉलेस्ट पार्ट में पार्टिकल्स में तोड़ सकते हैं। एटम इज मेड अप विद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम को हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में हमने ये माना था कि एक ही प्रकार के एलिमेंट साइज शेप और मास में एक समान होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमने आगे रिसर्च की तो हमको ये पता चला, हमको ये ज्ञात हुआ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट मे बी डिफर। एलिमेंट के एटम्स शेप साइज और मास में डिफरेंट हो सकते हैं। इसको आप एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं, जिनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। आइसोटोप्स ऐसे एटम्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक वेट डिफरेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने इसको समझने के लिए हाइड्रोजन के आइसोटोप्स लिए हैं। हाइड्रोजन हैव 3 आइसोटोप्स,
1H1 जिसको प्रोटियम कहते हैं, 1H2 इसको ड्यूटेरियम कहते हैं, एंड 1H3 इसको रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं। इसी प्रकार से और भी एग्जांपल कार्बन के सेंस में, क्लोरीन के सेंस में दिए जा सकते हैं। कार्बन आल्सो हैज आइसोटोप्स, देयर आर 2 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, 6C12 एंड 6C14, दे आर डिफरेंट इन एटॉमिक मास। इसी प्रकार से क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप्स होते हैं, 17Cl35 एंड 17Cl37। तो जो एटॉमिक मॉडल ऑफ डाल्टन में हमने एक पॉइंट माना था, समझा था कि एक ही एलिमेंट के एटम सेम साइज, शेप और मास में होते हैं, इसको हमने मॉडिफाई कर दिया। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन को आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं। द रेशियो इन विच द डिफरेंट एटम्स कम्बाइंड विद वन अनदर मे बी फिक्स, नॉट ऑलवेज बी सिंपल। यदि अलग अलग एटम्स आपस में कम्बाइंड होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, उनके एटम का जो रेशियो होगा वो फिक्स होगा, ना कि सिंपल होगा। इसको आप एक सामने एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे हमने इसको समझाने के लिए यहाँ पर केन शुगर का एक एग्जाम्पल लिया है। केन शुगर का मोलिकुलर फार्मूला C12H22O11 है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो फिक्स रेशियो है, जो कि 12:22:11 के रेशियो में है। तो इस प्रकार हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और उसका मॉडिफिकेशन टॉपिक कंप्लीट होता है। आप इस टॉपिक को अपनी कॉपी में एज इट इज़ लिख लेंगे, और यदि आपकी कोई क्वेरी है, यदि आपका कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। योग का जो मेन टॉपिक है डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल, वह कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस वीडियो लेक्चर में कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस और उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे, जैसे कि एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, मोल्स किसे कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, आप इन डेफिनेशंस को अपनी कॉपी में लिखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा। यदि कोई आपको परेशानी होती है या आपकी कोई क्वेरी है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। इस क्रम में हमने जो पहला टॉपिक लिया है वह है एटॉमिक मास। किसी भी एलिमेंट का एटम बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, उसको आँखों से नहीं देखा जा सकता, उसका मास नहीं निकाला जा सकता। उसका मास निकालने के लिए हम एक टेक्निक का यूज़ करते हैं। किसी भी एटम का मास निकालने के लिए हम उसका एक सैंपल ले लेते हैं और उस सैंपल का मास ज्ञात करते हैं। उस सैंपल में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, फिर हम उसको उससे डिवाइड करके एक एटम का मास निकाल सकते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन की स्टडी करते हैं। जैसा कि सामने आप ग्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं, द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज द नंबर ऑफ एन एटम ऑफ डेट एलिमेंट इज हैवियर देन एन एटम ऑफ कार्बन 12। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास हम कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में ज्ञात करते हैं कि वह कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में कितना हैवियर है। यदि हम प्रारंभिक एटॉमिक मास की बात करें, तो हमने सबसे पहले एटॉमिक मास को हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ज्ञात किया था और स्वेच्छा से हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 रखा था। परंतु हाइड्रोजन के आइसोटोप्स ज्ञात हो जाने के पश्चात ये डिसाइड करना कठिन हो गया कि हम कौन से आइसोटोप्स के रेस्पेक्ट में एटम का मास निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं एटम ऑफ हाइड्रोजन हैव 3 टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स, 1H1, 1H2 एंड 1H3। ऑल द आइसोटोप्स आर द डबल एंड ट्रिपल एटॉमिक मास टू ईच अदर। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में एटॉमिक मास को मेजर करना प्रारंभ किया, और हम जिस एटम का एटॉमिक मास कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं, उसको हम कार्बन 12 का 1/12 पार्ट कर देते हैं। जैसे कि आप सामने एक नई डेफिनेशन में इसको समझने का प्रयास करेंगे। द वन एटॉमिक मास यूनिट AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। हम कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के इक्वल में किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास मेजर करते हैं। इसका रीजन ये भी है कि कार्बन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12 एंड कार्बन 14। कार्बन 14 आइसोटोप्स एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है, ये नेचर में नहीं पाया जाता है। केवल एक ही आइसोटोप्स कार्बन 12 आइसोटोप्स नेचर में पाया जाता है, उसके रेस्पेक्ट में हम दूसरे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास ज्ञात कर लेते हैं और
इस प्रकार ज्ञात किए हुए एलिमेंट के एटम के मास को हम कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के इक्वल उसको कर लेते हैं। इस प्रकार हम कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास सामने ग्रीन बोर्ड पर लिख रहे हैं, जो कि आप अपनी बुक में एज इट इज उतार लीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि ये सभी एटॉमिक मास कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के इक्वलेंट में मेजर किए गए हैं। जैसे कि सामने आप ग्रीन बोर्ड पर कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट के एटॉमिक मास लिखे हुए देख सकते हैं। एल्युमिनियम एटॉमिक मास 27, आर्गन एटॉमिक मास 39, बेरिलियम 9, बोरोन 11, कैल्शियम 14, फ्लोरीन 19, हीलियम 4, मैग्नीशियम 24, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फास्फोरस 31, पोटेशियम 39, सोडियम 23, सल्फर 32 एंड क्लोरीन 35.5, हाइड्रोजन 1.008। तो लास्ट वाले दो एटम्स के एटॉमिक मास डेसिमल नंबर्स में हैं। ये डेसिमल नंबर्स में क्यों हैं, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। डेसिमल में एटॉमिक मास आने का एक बहुत बड़ा रीज़न आइसोटोप्स है। जैसे आप सामने आइसोटोप्स की डेफिनेशन लिखी हुई देख सकते हैं, दैट एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास आर कॉल्ड आइसोटोप्स। जैसे यहाँ पर हमने क्लोरीन का एक एग्जांपल ले रखा है, क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम हैं जबकि एटॉमिक मास दोनों के अलग अलग हैं। एक का एटॉमिक मास 35 है और एक का एटॉमिक मास 37 है। इनकी एयर में प्रेजेंस अलग अलग रेशियो में है, 17 Cl 35, ये 75% के रेशियो में एयर में पाया जाता है, जबकि 17 Cl 37 ये एयर में 25% के रेशियो में पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि क्लोरीन इन दोनों का मिक्सचर है। तो यहाँ पर जब हम इसका एटॉमिक मास निकालेंगे तो उसका एक मेथड है जो कि आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि सामने आप ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, जो आइसोटोप्स जिस परसेंटेज में एयर में पाया जाता है उसकी मल्टीप्लाई करके हम इनको जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर 35 एटॉमिक मास वाला क्लोरीन का आइसोटोप 75% के रेशियो में है, तो हमने 35 की 75 से मल्टीप्लाई कर दी, और दूसरा जो आइसोटोप है इसका एटॉमिक मास 37 है वो 25% के रेशियो में है, उसकी हमने 25 से मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ करके 100 से डिवाइड कर दिया, और इस प्रकार हमने क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से जितने भी डेसिमल में एटॉमिक मास प्राप्त होते हैं उनको हम इसी प्रकार से उनकी एयर में प्रेजेंस के आधार पर एटॉमिक मास ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज ग्राम एटॉमिक मास। व्हेन एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज एक्सप्रेस इन ग्राम देन इट इज़ कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। जब किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को हम ग्राम में मेजर करते हैं तो हम उसको ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। जैसे कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है और उसको यदि हम 12 ग्राम मेजर करें तो हम उसको कहेंगे कि ये ग्राम एटॉमिक मास है। इसी प्रकार से कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है और कैल्शियम के 40 एटॉमिक मास के बराबर ग्राम में मेजर करते हैं तो वह ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज मॉलिकुलर मास। द मॉलिकुलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ ए मॉलिक्यूल एज कंपेयर विद एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स टेकन एज 12। किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिकुलर मास कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में उसमें प्रेजेंट एटम के एटॉमिक मास के एडिशन के बराबर होता है। इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। H2SO4 का मॉलिकुलर मास निकालने का प्रयास करते हैं। हमें मालूम है इसके अंदर जो एटम प्रेजेंट हैं हाइड्रोजन सल्फर एंड ऑक्सीजन, उनके एटॉमिक मास रेस्पेक्टिवली 1, 32 एंड 16 हैं। आइए इनके एटॉमिक नंबर के बराबर इनके एटॉमिक मास की मल्टीप्लाई करके इनका एडिशन कर देते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, इसके नंबर ऑफ एटम 2, सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है, इसका एक ही एटम है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, इसके 4 एटम हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो H2SO4 का मॉलिकुलर मास 98 प्राप्त हो जाएगा। एक अन्य एग्जाम्पल में NaCl का मॉलिकुलर मास प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हम जानते हैं NaCl के अंदर दो एटम्स हैं, Na that have 23 atomic mass and Cl that have 35.5 atomic mass. इन दोनों के atomic mass को हम addition कर देंगे क्योंकि इनका एक एक ही atom यहाँ पर उपस्थित है। तो 23 में 35.5 का जब हम addition करेंगे तो 58.5 NaCl का molecular mass प्राप्त हो जाएगा। हमने green board पर urea का formula लिखा हुआ है जो कि NH2CO NH2 है। इसको कंडेंस फॉर्म में लिख लेते हैं। कंडेंस फॉर्म का मतलब ये होता है कि
जितने भी इसके अंदर एक प्रकार के एटम उपस्थित हैं उनको एक साथ लिख लीजिएगा। जैसे नाइट्रोजन के यहाँ पर दो एटम हैं तो N2 कर दीजिएगा, हाइड्रोजन के यहाँ पर फोर एटम प्रेजेंट है तो H4 कर दीजिएगा, कार्बन और ऑक्सीजन का एक एक एटम यहाँ पर उपस्थित है। अब इनके एटॉमिक मास को लगा करके इनका एडिशन कर देते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, इसके दो एटम्स हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, इसके फोर एटम्स हैं, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यूरिया का मॉलिकुलर मास 60 प्राप्त हो जाएगा। सामने एक क्वेश्चन आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए लिखा है, दो मॉलिक्यूल्स, फर्स्ट वन इज़ ग्लूकोज एंड सेकेंड वन इज़ केन शुगर, इनके मॉलिकुलर फार्मूलाज लिखे हुए हैं, आप इनके मॉलिकुलर मास निकाल करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड। एक इम्पॉर्टेंट टर्म इक्विवेलेंट वेट, जिसका फॉर्मूला आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिकुलर मास अपॉन वैलेंसी। यदि हम मॉलिकुलर मास को वैलेंसी से डिवाइड कर देते हैं तो हमको इक्विवेलेंट वेट प्राप्त हो जाता है। इक्विवेलेंट मास को समझाने के लिए हमने यहाँ पर एक एग्जांपल ले रखा है, जिसमें कि CuO का मॉलिकुलर मास 63.6 है, इसको आप मेजर कर सकते हैं कॉपर का एटॉमिक मास और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लगा करके। वैलेंसी इसकी 2 है। वैलेंसी क्या होती है इसको हम आगे के वीडियो लेक्चर में समझेंगे। अगर हमें CuO का इक्विवेलेंट मास निकालना होता है तो इसके मॉलिकुलर मास को हम इसकी वैलेंसी से डिवाइड कर देते हैं, 63.6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट वेट 31.8 प्राप्त हो जाएगा। एसिड के इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड इज इक्वल टू मॉलिकुलर मास अपॉन बेसिसिटी। एसिड के मॉलिकुलर मास आप ज्ञात कर सकते हैं, उनके लिए आपको एटॉमिक मास का यूज़ करना होगा। बेसिसिटी क्या होती है, आइए इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। एसिड के बारे में आप जानते हैं, एसिड आर दोज कंपाउंड विच गिव हाइड्रोजन आयन इन एक्वस मीडियम। सामने कुछ एग्जांपल आप देख सकते हैं जिसमें कि आपको एक्वस मीडियम को अंडरस्टूड करना पड़ेगा। जैसे कि HCl को जब हम पानी में डाल देते हैं, जल में डाल देते हैं, तो इस प्रकार से आयनाइज हो जाता है H आयन प्लस Cl आयन। इसी प्रकार से HNO3 को जब हम वाटर डिजोल्व करते हैं तो वह H आयन और NO3 आयन में डिजोल्व हो जाता है। इसी प्रकार H2SO4 को वाटर में डिजोल्व करने पर वह 2H आयन और SO4 आयन में डिजोल्व हो जाता है। यहाँ पर जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन हैं उनको हम बेसिसिटी कहते हैं। HCl के केस में बेसिसिटी 1 है, HNO3 के केस में बेसिसिटी भी 1 है, जबकि H2SO4 में नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन 2 हैं तो हम कह सकते हैं इसकी बेसिसिटी 2 होगी। यदि हमें किसी एसिड की इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो उसके मॉलिक्यूलर वेट को उसके बेसिसिटी से डिवाइड करके हम उसका इक्विवेलेंट वेट ज्ञात कर सकते हैं। जैसे सामने दो एग्जांपल्स में HCl और H2SO4 का इक्विवेलेंट निकाला गया है। HCl का मॉलिक्यूलर मास 36.5 होता है और इसका नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन 1 है, अर्थात इसकी बेसिसिटी 1 है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट 36.5 ही ज्ञात होगा। जबकि H2SO4 के केस में मॉलिक्यूलर मास 98 है और इसका बेसिसिटी 2 होता है तो इसका इक्विवेलेंट वेट 49 प्राप्त होगा। सामने आप बेस के इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला देख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एसिडिटी। मॉलिक्यूलर मास हम ज्ञात कर सकते हैं उसमें उपस्थित नंबर ऑफ एटम्स के एटॉमिक मास निकाल करके। ये एसिडिटी क्या होती है इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि सामने आप ग्रीन बोर्ड पर बेसिस के बारे में देख रहे होंगे, बेसिस आर दोज कंपाउंड विच गिव हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में जो कंपाउंड्स हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उनको बेस कहते हैं। जितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त होते हैं उनको हम एसिडिटी के रूप में जानते हैं। जैसे कि आप NaOH का एग्जांपल देख रहे होंगे, जब हम इसको वाटर डिसॉल्व करते हैं तो ये एक हाइड्रोक्साइड आयन देता है तो हम कह सकते हैं NaOH की एसिडिटी 1 है। इसी प्रकार से KOH की एसिडिटी के बारे में भी कहा जा सकता है कि ये भी वाटर डिसॉल्व होकर के आयनाइज होकर के एक हाइड्रोक्साइड आयन देता है, अतः इसकी एसिडिटी 1 है। जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर डिसॉल्व या आयनाइज होकर के 2 हाइड्रोक्साइड आयन देता है तो इसकी एसिडिटी 2 है, जबकि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी 3 होगी क्योंकि ये वाटर डिसॉल्व होकर के 3 हाइड्रोक्साइड आयन देता है। आप सामने ग्रीन बोर्ड पर NaOH का इक्विवेलेंट वेट देख सकते हैं। यहाँ पर NaOH का एटॉमिक मास 40 होता है क्योंकि इसके अंदर Na और O और H ये एटम्स प्रेजेंट हैं। Na का एटॉमिक मास लगा दिया, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लगा दिया, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लगा करके हमने इनका एडिशन कर लिया तो हमको NaOH का मॉलिक्यूलर मास 40 प्राप्त हुआ। चूँकि इसकी एसिडिटी 1 है तो इसकी
इसका इक्विवेलेंट वेट ज्ञात करने के लिए इसके मॉलिकुलर वेट को इसकी एसिडिटी अर्थात 1 से डिवाइड कर देंगे। इस प्रकार इसका इक्विवेलेंट वेट प्राप्त हो जाएगा। यदि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के इक्विवेलेंट वेट को ज्ञात करना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले से हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। मॉलिकुलर मास COH का मॉलिकुलर मास निकालने के लिए इसके CA एक एटम, ऑक्सीजन के दो एटम और हाइड्रोजन के दो एटम, इन सब का हमने एटॉमिक मास लगा करके इनका मॉलिकुलर मास निकाल लिया, डेट इज़ 74। चूँकि इसकी एसिडिटी 2 है तो हम इसके मॉलिकुलर मास को 2 से डिवाइड करके इसकी इक्विवेलेंट वेट को ज्ञात कर सकते हैं, डेट इज़ 37। नेक्स्ट डेफिनेशन मोल कॉन्सेप्ट की है। मोल इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस की अमाउंट की ऐसा यूनिट को हम मोल कहते हैं। सब्सटेंस 3 प्रकार का हो सकता है, यह एटम के रूप में, मॉलिक्यूल के रूप में या आयन के रूप में हो सकता है। तो आप इनका मोल निकालने के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे, मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू वेट ऑफ एटम अपॉन एटॉमिक मास, मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू वेट ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मोल ऑफ आयन इज इक्वल टू वेट ऑफ आयन अपॉन आयनिक मास। यदि हम किसी सब्सटेंस के वेट को उसके एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फिर आयनिक मास से डिवाइड कर देते हैं तो हम उसका मोल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सामने आप एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझ सकते हैं। 16 ग्राम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर एटम के रूप में है तो इसका वेट 16 है और इसका एटॉमिक मास 16 है, तो हम कह सकते हैं 16 ग्राम ऑक्सीजन इक्वल टू 1 मोल एटम। इसी प्रकार से 32 ग्राम ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन का वेट 32 ग्राम दे रखा है और ऑक्सीजन का मॉलिकुलर मास 32 होता है। यदि हम इसके वेट को मॉलिकुलर मास से डिवाइड कर देंगे तो हमको इसके मोल प्राप्त हो जाएंगे, डेट इज़ 1 मोल मॉलिक्यूल। तो हम कह सकते हैं 32 ग्राम ऑक्सीजन 1 मोल के इक्वल होता है। इसी प्रकार से 12 ग्राम कार्बन, यहाँ पर कार्बन एटम के रूप में है, इसका वेट 12 ग्राम दे रखा है, इसका एटॉमिक मास 12 होता है। यदि इसके वेट को इसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे तो हम कह सकते हैं 12 ग्राम कार्बन इक्वल टू 1 मोल एटम। तो यहाँ पर हमने ये सीखा कि जब हम किसी सब्सटेंस के एटॉमिक मास या फिर मॉलिकुलर मास या फिर आयनिक मास के इक्वल ही वेट लेते हैं तो वह 1 मोल के इक्वल। नेक्स्ट डेफिनेशन एवोगाड्रो नंबर की है। इसको हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटम इज कॉल एवोगाड्रो नंबर। 1 ग्राम एटम का मतलब है एक मोल, एक मोल में जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं उनको हम एवोगाड्रो नंबर के इक्वल कह सकते हैं। इसी प्रकार से हम इसको मॉलिक्यूल के सेंस में भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 ग्राम मॉलिक्यूल इज कॉल एवोगाड्रो नंबर। 1 ग्राम मॉलिक्यूल का अर्थ है एक मोल, एक मोल में जितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उनको हम एवोगाड्रो नंबर के बराबर मान सकते हैं। एवोगाड्रो नंबर एक संख्या होती है, एक नंबर होते हैं जो कि 6.022×10⁻²³ के इक्वल होते हैं। इसको आप एक एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं। यदि हम हाइड्रोजन एटम का 1 मोल लेते हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स 6.022×10⁻²³ होंगे, जिसको हम 6×23 के इक्वल भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से यदि हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एक मोल लेते हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एवोगाड्रो नंबर के बराबर होंगे, जो कि 6.022×10⁻²³ के इक्वल होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसको NTP भी कहते हैं और इसको हम STP के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, जो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। ये STP और NTP क्या होता है इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। समानतः 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम ATM भी कहते हैं, को हम स्टैंडर्ड प्रेशर के रूप में व्यक्त करते हैं, जो कि 76 सेंटीमीटर ऑफ HG के इक्वल होता है। इसको आप मिलीमीटर में 760 मिलीमीटर ऑफ HG के इक्वल भी मान सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मल प्रेशर या स्टैंडर्ड प्रेशर 1 ATM जो कि 76 सेंटीमीटर ऑफ HG या फिर 760 मिलीमीटर ऑफ HG के इक्वल होता है को कहते हैं।
इसी प्रकार से 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर कहते हैं। लास्ट डेफिनेशन मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन गैसियस सब्सटेंस पर अप्लाई होती है। जब हम गैसियस सब्सटेंस को नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर मीजर करते हैं तो उनका एक फिक्स वॉल्यूम होता है जिसको हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर हैज़ फिक्स वॉल्यूम। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर किसी गैसियस मॉलिक्यूल के 1 मोल का वॉल्यूम फिक्स होता है, डेट इज़ इक्वल टू 22.4 लीटर, या फिर हम इसको 22,400 मिलीलीटर के इक्वल मान सकते हैं। इस प्रकार फोर्थ वीडियो में जो बेसिक डेफिनेशंस थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। आप इन डेफिनेशंस को अपनी कॉपी में एज इट इज लिख लेंगे। यदि कोई आपकी क्वेरी है या क्वेश्चन है तो आप इसको व्हाट्सएप ग्रुप पर या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जब हम अपने 5th वीडियो में मिलेंगे तो हम सॉल्यूशंस के बारे में स्टडी करेंगे, सॉल्यूशंस चैप्टर 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये हमारी दोनों जगह हेल्प करेगा, 11th क्लास में भी हेल्प करेगा बेसिक समझने के लिए, और 12th क्लास में इसका पूरा एक चैप्टर है सॉल्यूशंस के बारे में और उसके कंसंट्रेशंस डाइल्यूशंस को ज्ञात करने के लिए, तो वहाँ पर भी इसको हेल्प करेगा। तो हम इसको दो एस्पेक्ट में 11th और 12th के एस्पेक्ट में समझेंगे। तो जो हमारा 5th वीडियो होगा वो 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ में 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं।